नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं मिस्टर पैराडॉक्स और आज हम लोग अंतरा भाग दो की छठी कविता तोड़ो की समरी को समझेंगे, साथ ही इसमें दिए गए अलंकार और मुख्य प्रश्नों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तोड़ो कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय, जिनका जन्म सन 1929 में हुआ था। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, कवि यहाँ पर पत्थरों को और चट्टानों को तोड़ने की बात करता है। इन पत्थरों को और चट्टानों को तोड़ने से ही ये धरती ये ज़मीन मुलायम बनेगी। ये झूठे बंधन टूटें तो धरती को हम जाने। झूठे बंधन से यहाँ पर मतलब है वो सभी अंधविश्वास जो धर्मों में और जातियों में बना दिए गए हैं, जिससे हमारी सोच छोटी हो गई है। इन्हीं झूठे बंधनों की वजह से ही हमारा विकास रुक जाता है। सुनते हैं, मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप है, अपने मन के मैदानों में व्यापी कैसी ऊब है। मतलब हम जानते हैं कि धरती में रस है, यानी वो फर्टाइल है, इसी वजह से वहाँ पर धूप अर्थात घास उग पाती है। लेकिन हमारे मन के मैदान में ऊब व्याप्त हो गई है, यानी ऊब आ गई है। ऊब मतलब अरुचि, डिसइंटरेस्ट, किसी काम को बिना इंटरेस्ट के साथ बिना पूरा मन लगाए करना। आधे आधे गाने मतलब जैसे बिना मन के गाने से आधे अधूरे गाने ही गा पाएंगे और उस गाने को गाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वैसे ही बिना मन के कोई काम करने से वो काम भी आधा अधूरा ही हो पाएगा और उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा जितना वो हो सकता था अगर हम पूरे मन से काम करते। मतलब जैसे अपने अंदर रस होने के बावजूद, यानी फर्टिलिटी होने के बावजूद भी धरती पेड़ पौधों को नहीं उगा पाती है, वैसे ही हमारे अंदर प्रोडक्टिविटी होने के बाद भी हमारे अंदर की जो ऊब खींच यानी इरिटेशन, स्ट्रेस, गुस्सा होता है, उससे हमारे अंदर की प्रोडक्टिविटी और हमारे डेवलपमेंट दोनों रुक जाते हैं। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। कवि यहाँ पर इस बंजर भूमि को तोड़ने को कह रहा है। इस बंजर भूमि को जितना हम तोड़ेंगे ये उतना ही उपजाऊ बनेगी, उतनी ही अच्छी बनेगी। चरती परती मतलब बहुत समय से जो हमने जानवरों के चरने के लिए इस धरती को रख छोड़ा है, इससे इसकी उर्वरा शक्ति, इसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है। इसे खेत में बदलने से ही ये और उपजाऊ बन सकती है। जितना इस ज़मीन की गुड़ाई की जाएगी, यानी जितना इस ज़मीन के ऊपर जो पत्थर है उन्हें तोड़ा जाएगा और इस धरती को और बेहतर किया जाएगा, उतना ही इसमें रस बढ़ता रहेगा। मतलब इसकी फर्टिलिटी उतनी ही बढ़ती रहेगी, तभी धरती में बीज उग पाएगा और धरती उसका पोषण कर सकेगी, यानी धरती उसको नरिश कर सकेगी। कुल ऐसा ही हमारे मन के साथ भी होता है। हमारी जो मन रूपी भूमि है, मन के मैदान है, उसको भी हमें उर्वरा बनाना है, उसको भी हमें प्रोडक्टिव बनाना है। लेकिन हम अपनी इस खींच का, इस इरिटेशन का क्या करें? इस खींच को, इस कुड़न को, इस इरिटेशन को हटाना बहुत ज़रूरी है। हमारा मन जितना निर्मल होगा, जितना क्लियरली सोच पाएगा, उसमें उतना ही विचारों का पोषण होगा, यानी उतने ही अच्छे विचार आएंगे। जैसे धरती से बीज उगते हैं, वैसे ही हमारे मन के अंदर से अच्छे विचार आएंगे, तभी इसमें सही विचारों की खेती आएगी। तभी जो सृजन कार्य है हमारे दिमाग को और प्रोडक्टिव बनाने का जो काम है, हमें खुद को बेहतर बनाने का जो काम है, वो संभव हो पाएगा। इस कविता की जो विशेष बातें हैं और जो अलंकार हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। यह कविता प्रतीकात्मक है, यानी इस कविता में कई सारे प्रतीक इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे पृथ्वी प्रतीक है मन का, पत्थर प्रतीक है उन बंधनों का जिनमें हम बंध जाते हैं, और ऐसे ही यह कविता प्रतीकात्मक बनती है। हमारा मन जो ऊब से भरा हुआ है उसको मैदान के समान बताकर यहाँ पर एक सुंदर बिंब बनाया गया है। बिंब मतलब रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पर मन और मैदान के बीच में बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन, बहुत सुंदर सिमिलैरिटी दिखाई गई है। मन के मैदानों क्या कर में अनुप्रास अलंकार है, तोड़ो 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है,
ऊसर बंजर और चढ़ती पड़ती में स्वर मैत्री है, मतलब ये राइमिंग है। भाषा में सरलता, सजीवता और प्रभामयता है, यानी लैंग्वेज एकदम सिंपल है, अलाइव है एकदम, आपको अपील करती है रीडर्स को, और प्रभामयता है यानी एक लैब में चल रही है। अब बात करते हैं जो मुख्य प्रश्न तोड़ो कविता और जो पहले हमने डिस्कस किया था वसंत आया कविता, उन दोनों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, कविता से एक लाइन दे रखी है, और कविताएं पढ़ते रहने से आम बोर आवेंगे तक, में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें ये बताना है कि कवि कहना चाह रहा है कि जो अनुभव हम ले सकते हैं प्रकृति का, जो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं उसका, वो हम नहीं लेते, बल्कि घर पर बैठ कर या कहीं और बस ऊपर से पढ़ जाते हैं। साथ ही यहाँ पर कई सारे क्रिया के शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे धैर्य धैर्य देखेंगे, यहाँ पर बिंब है, रिफ्लेक्शन है जो बताया मैंने आपको अभी पहले, और प्रतीकों का भी प्रयोग है, यहाँ पर सिंबल्स का भी प्रयोग किया गया है इस कविता में, तो यहाँ पर भाषा की विशेषता इस तरह से बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, वसंत आया कविता में कवि ने आज के मनुष्य की जीवन शैली पर क्या व्यंग्य किया है। तो कवि ने यहाँ पर व्यंग्य यही किया है कि प्रकृति में जो परिवर्तन है वो तो पहले जैसे ही हो रहे हैं, लेकिन हम अपने आधुनिक जीवन शैली में, अपने इस लाइफ स्टाइल में सब बिजी हो गए कि हम उन्हें क्या करते हैं, हम कैलेंडर से और क्या करके छुट्टी से जान रहे हैं कि प्रकृति में परिवर्तन आ रहे हैं, बसंत पंचमी आ रही है, जबकि हमें इसको जाकर उसका अनुभव करना चाहिए। हमारे आज की इस बिजी लाइफ स्टाइल की वजह से हम कोई अनुभव नहीं ले पा रहे हैं, इसी वजह से हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो खत्म होती जा रही हैं और हम एक मशीन बनते जा रहे हैं। अगला मुख्य प्रश्न जो आपसे पूछ सकते हैं इस कविता से वो यही है कि वसंत आया कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य मतलब समरी, तो आपको कविता को समराइज करना है। तो आप स्टार्ट ऐसे करेंगे कि कवि ने क्या क्या परिवर्तन हमें बताए हैं जो प्रकृति में आ रहे हैं, उसके बाद आप बताएंगे कि जो व्यंग्य क्या किया है कवि ने, कि हमारे जो आज की सभ्यता है, जो आज की जीवन शैली हो गई है, उस वजह से हम अपने प्रकृति में आए अनुभवों को महसूस नहीं कर पाते हैं, वहाँ जाकर उनका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि घर में ही बैठे हैं, जो कि अभी सही है, लेकिन वैसे भी हम कट चुके और ये किस वजह से हो रहा है, हमारी जीवन शैली की वजह से। तो ये कविता का संदेश है। अब बात करते हैं तोड़ो कविता से जो मुख्य प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको। तोड़ो कविता से पहला मुख्य प्रश्न है, कवि को धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानताएं दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कि कवि को धरती और मन में सबसे पहली बात तो इस समानता लगती है कि दोनों में ही सृजन शक्ति है, दोनों में ही प्रोडक्टिविटी है। दूसरा कि पत्थर और चट्टानों की वजह से जैसे धरती में जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है, वैसे ही हमारे अंदर जो ऊब और खीज होती है उससे हमारी भी उर्वरा शक्ति खत्म या फिर कम हो जाती है, और जैसे धरती की गुड़ाई करके उसे और बेहतर बनाया जा सकता है, वैसे ही अपने मन को भी बेहतर बनाया जा सकता है। और अपने मन को बेहतर करने के लिए इसमें से ऊब और खीज को निकालना होगा। अगला मुख्य प्रश्न है, तोड़ो कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। तो इसमें आप सिंपल यही देंगे कि तोड़ो कविता में हमें कवि ने बताया है कि हमें जैसे धरती को गुड़ाई करके, धरती को बेहतर बनाकर उसमें अच्छे बीज आ सकते हैं, उसमें फसल उग सकती है, वैसे ही अपने मन को भी बेहतर करके हम उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं, उसके लिए ऊब और कीच को हटाना पड़ेगा। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, तोड़ो कविता में कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है, स्पष्ट करो। तो आपको भी कविता पढ़ के लग रहा होगा कि तोड़ो मतलब किसी से लड़ाई करना शुरू कर दो या ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कवि किसको तोड़ने की बात कर रहा है, हमारे अंदर की जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो ऊब और खींच भरी पड़ी है, अंदर जो इरिटेशन भरी पड़ी है, उसको बाहर निकालना है और उसको अपने मन से निकाल देना है। कवि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने की, उन्हें तोड़ने की बात कर रहा है, ना कि विध्वंस की यानी किसी को तबाह करने की, किसी का नुकसान करने की बात नहीं कर रहा कवि। कवि यहाँ पे कह रहा है कि अपना भला करो, अपनी बुराइयों को तोड़ दो। तो ये थी तोड़ो कविता, उससे जुड़े मुख्य प्रश्न और उसमें आए अलंकार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बाकी हिंदी की और इंग्लिश की और 12th क्लास के बाकी सब्जेक्ट्स की चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए ये कोट सिर्फ आपके लिए।